आप देख रहे हैं एस न्यूज़, खबरें हर पल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं प्रतीक मिश्रा। और अब रुख करते हैं खबरों की। एचडी कुमार स्वामी ने बतौर मुख्यमंत्री जाते जाते भूमिहीन मजदूरों से किया वादा निभाते हुए अपने आखिरी आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने राज्य के उन मजदूरों का कर्ज माफ कर दिया जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जोत वाली भूमि या जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। हालांकि कितना कर्ज माफ करना है इसे लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई। कुमार स्वामी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने मंगलवार को अपने आखिरी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके कुछ ही घंटों बाद विश्वास मत पर 4 दिनों तक चल रही बहस के बाद अब वोटिंग हुई तो उनकी सरकार 6 वोटों से गिर गई। कुमार स्वामी के राज्यपाल ने नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने और उन्हें भूमिहीन मजदूरों की कर्जमाफी जैसे कोई भी बड़े नीतिगत फैसले लेने से रोक दिया गया है। सत्ता चले जाने के एक दिन बाद बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कुमार स्वामी ने संतोष व्यक्त किया है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान कुछ अहम निर्णय ले पाए, जिसमें भूमिहीन मजदूरों के लिए ऋण माफी जिसे निजी धन उधारदाताओं से भी लिया गया हो शामिल है। कुमार स्वामी ने कहा कि इससे मजदूरों को राहत मिलेगी। यह आदेश के जारी होने तक की तारीख से 1 साल तक प्रभावी रहेगा। 3 तलाक विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। केंद्र सरकार बिल को पारित करने के लिए आज पूरी कोशिश करेगा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों से इसके लिए व्हिप जारी किया है और उनसे सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। सदन में इस बिल को लेकर हंगामे की स्थिति पैदा हो सकती है। विपक्षी दल इसके प्रावधान को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। इसे मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में बिल लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। इस बार भी बिल लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा लेकिन राज्यसभा में मुश्किलें आएंगी। विधेयक में एक साथ अचानक 3 तलाक दिए जाने को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने तक का प्रावधान किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद संसद के इस पहले सत्र में सबसे पहले इस विधेयक का मसौदा पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब 9 भाषाओं में पढ़े जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हिंदी, असमी, बंगाली, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके अनुवाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को तमिल सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के फैसले की तमिलनाडु सरकार ने सराहना करते हुए इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने पलानी स्वामी के केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा कि यह पहला लोगों के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की बेहतर समझ विकसित करेगी। उन्होंने 18 जुलाई को लिखे अपने पत्र में यह बात कही। यह पत्र शुक्रवार को जारी किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि वह तमिलनाडु के लोगों की तरफ से इस लीक तोड़ने वाली पहल के लिए केंद्र को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने प्रसाद से यह अभी अनुरोध किया कि मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयों को भी तमिल भाषा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच रवि शास्त्री ने फिर मुख्य कोच पद पर दावा जताने के संकेत दिए हैं। उनका इंटरव्यू वेस्टइंडीज दौरे के बीच में होगा। यह इंटरव्यू एडहॉक क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी स्काइप के जरिए लेगी। बोर्ड ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुख्य कोच और सपोर्ट स्टाफ के चयन की प्रक्रिया 15 अगस्त तक निपटा ली जाएगी। बोर्ड कोच और सपोर्ट स्टाफ का चयन ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचना चाहता है। बताया जा रहा है कि 29 जुलाई या उसके आसपास टीम वेस्टइंडीज दौरे के लिए रवाना होगी। 30 जुलाई कोच और सपोर्ट स्टाफ के आवेदन की अंतिम तिथि है। इसके बाद आए हुए आवेदनों की छानबीन की जाएगी। सभी योग्य उम्मीदवारों का सीएसी के समक्ष इंटरव्यू 2 से 3 दिन के अंदर कराए जाने की योजना है। टेस्ट नेशन का दर्जा मिलने के बाद आयरलैंड ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच शुरू किया है। लॉर्ड्स में शुरू हुए एक लौते टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कुछ दिन पहले लॉर्ड्स के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अधिक बाउंड्रीज के आधार पर विश्व कप विजेता बनी इंग्लैंड का प्रदर्शन शर्मनाक रहा। जो रूट की कप्तानी वाली इंग्लैंड ने बल्लेबाजों ने आयरलैंड के गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए। टीम ने 15 ओवर के अंदर ही 43 रन पर 7 विकेट गवा दिए थे। इसके बाद इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज कोई कमाल नहीं दिखा पाया और इंग्लैंड की पूरी टीम मात्र 85 रनों पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड को सबसे ज्यादा नुकसान आयरलैंड के गेंदबाज टिम मुथर्ग ने दिया। मुथर्ग ने अपनी 9 ओवर की गेंदबाजी में 2 मेडन के साथ 13 रन देकर 5 विकेट झटके। और अब दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एस न्यूज। आप देख रहे हैं एस न्यूज़, खबरें हर पल की।